नमस्कार। चलिए आज हम सांबर बड़ा बनाते हैं। ये उड़ीसा और केरला का फेमस डिश है, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। लेके आई हूँ कि आज मैं बना रही हूँ और साथ में आप लोग भी बनाइएगा ये डिश का। सुबह नाश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने उड़द का दाल ले लिया है, इसको मैंने रात में भिगो कर रख लिया था और इसको मैंने छन्नी से छान लिया था। इसका पूरा पानी मैंने निकाल लिया था और इसमें मैंने जार में डाल दे रही हूँ, जिससे पीस कर मैं तैयार कर लिया पेस्ट। मैंने एक चम्मच पानी डालकर मैं बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसमें अजवाइन, कड़ी पत्ता छोटा चम्मच, अदरक और जीरा और एक छोटा सा प्याज मैंने कट कर रख दिया है और हरी मिर्च भी कट कर कर इसमें मैं डाल दे रही हूँ, जिससे टेस्ट अच्छा लगेगा। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। कई बार लोग कहता है कि फूलता नहीं उड़द के दाल, और तो नमक जब कब जब पहले डाल दीजिए तो पानी छोड़ देता है, इसलिए जब बनाते जब तेल में हम डालेंगे उस समय नमक को हम डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे स्पून बिल्कुल, जिससे ये जाते। इसमें थोड़ा सा मैंने एक पिंच हींग डाल दिया है, जिससे ये उड़द के दाल बादी होता है बोलते हैं। तो ये तेल हमारा गर्म हो रहा है, अच्छे से सभी चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा तेल गर्म है, मैंने अच्छी सारी चीज़ को मैंने हाथ को पानी के हाथे सहारे में इस तरीके से हाथों से मैंने बॉल जैसे बना ले रही हूँ। इस तरीके देखिए पानी के हाथों से, या तो आप तेल लगा लें और बीच का छेद इस तरीके से फिंगर से आप कर सकते हैं, इस तरीके से डिजाइन बना दें और इसको तेल में आप डाल दें। तेल में आप इसको डाल दें फ्राई होने के लिए, और फ्राई करने के लिए हम तेल में डाल देते हैं। इसी तरह हम सभी द्वारा बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया फूले फूले बड़ा हमारा लग रहा है सांभर बड़ा, बहुत टेस्टी बहुत है। कई बार लोग कहता है फट जाता है, कई बार बोलता है कि फूलता ही नहीं, हार्ड हो जाता है। तो अंदर से बाहर से क्रिस्पी, अंदर से फूले फूले और बहुत स्पंजी बनकर सांभर बड़ा हमारा बनकर तैयार होगा। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया लगता है। सुबह के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें एक तरफ से पलट ले रही हूँ। तेल अच्छा गर्म हो गया है, गैस को मैंने मीडियम पर रखा है। पहले मैंने हाई पर रखा था और मीडियम पर रखा है। तो मुझे फ्राई करते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट लगा इसको फ्राई करने में। अच्छा मैं इसको फ्राई कर लूँ जिससे अंदर क्रिस्पी हो जाए और बढ़िया तरीके से अंदर से पक भी जाए, कच्चापन ना रहे, इसमें कलर भी आ जाए ब्राउन। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पलट पलट के मैं पका ले रही हूँ। तो ये देखिए, तो मैं कलर इसमें आ रहा है, मैं इसको पलट ले रही हूँ। और इस सभी चीज़ों को हम छन्नी में छान लेते हैं। अब इसको छन्नी में छान, पूरा तेल हम निकाल लिया है। तो इसमें सांभर और नारियल के मैंने चटनी बनाया और सांभर ये बड़ा भी बनाया था। देखिए बनकर ये तैयार हो गया है। तो आप इसे बनाइए और खाइए और अपना सुझाव हमें पक्का बताइए। ये देखिए मेरी गुड़िया तोड़ के इसमें दिखा रही है, इसे टूट नहीं रहा है, गर्म है नहीं तोड़ रही है। तो मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया और कितना सुंदर अंदर से पककर स्पंजी भी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे बनाइए और खाइए और मैं सुझाव अपना मुझे बताइए। नमस्कार।